वेलकम टू अदर पार्ट। तो यार जैसा कि आप लोगों ने देखा है, इसका पहला पार्ट और अब हम इसका शूट कर रहे हैं दूसरा पार्ट। और इस दूसरे पार्ट में पहले उबकर ने मेरे से क्वेश्चंस किए थे, कुछ मैंने किए थे। इसी तरह इस पार्ट में भी यही होगा कि कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा और कुछ क्वेश्चन ये करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो इस पार्ट में, और पहले पार्ट में तो आपने हमारा देखा ना कि हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, खाते पीते हैं। अब इसके अंदर हमारी चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं थोड़ी, तो वो दोनों तरफ से होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कौन सा जब COVID-19 था तो बहुत सारे लोगों का हद है कि COVID-19 से पहले के लोग अपनी फैमिली को नहीं टाइम देते। तो जब COVID-19 आया तो सब लोग घर रहने लग गए हैं, कोई बाहर नहीं, सब मस्जिदें वगैरह, सब रेस्टोरेंट्स वगैरह ए टू जेड बंद था। तो फिर फैमिली टाइम भी एक अंदर आया था, बहुत चला था ये डायलॉग के फैमिली को टाइम दिया है, ये वो कैसी लगी, बहुत सारे मीम्स इस पे बने हैं, बहुत सारे टिकटॉक। तो आपका क्या कहना है? अच्छा यार, पहली बात तो ये, मैं वैसे ही अपने घर से दूर था जब कोविड आया। मेरे मुझे अपने पेरेंट्स घर आउट ऑफ जाने। कंट्री थे, ठीक है, तो मैं वैसे ही ना अपनी नानों की तरफ था, इधर तुम लोगों का पास था, तो मेरी जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स तो बाहर थे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि उस साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा इन चीज़ों का था। यहाँ पे तो चलो थोड़ा लेट आया, कंट्रोल भी कर लिया गया। और यार COVID-19 के अंदर हाँ टाइम दिया, सारा कुछ बंद था, बाहर जा नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, तो फिर एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, घर में भी अपने अपने रूम्स में होते थे। हाँ टाइम दिया, फैमिली टाइम हुआ, सालों का हुआ। तो कैसी लगी फिर फैमिली अपनी? ये मीम्स काफ़ी चले थे। तो बेसिकली ज़्यादा फैमिली टाइम तो नहीं था हमारे लिए, उनका हम तीनों तो इकट्ठे होते थे, तुम और मैं और अफनान। हमने पबजी खेली उस दौरान, ये और COVID-19 में बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग फजर रमजान में बहुत सारी गेम्स करते हैं। समटाइम कोई क्रिकेट कर लेता है, कोई बैडमिंटन खेलने लग जाते हैं, कोई पबजी होती है, कोई फ्री फायर। तो आपने क्या खेला? यार रमजान के अंदर तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने कोविड में भी काफी पबजी खेली, वो तो कठिन खेली है। तो कोविड में हाँ इकट्ठे ही खेली है। तो कोविड में यार ये सीन था कि पबजी हमने स्टार्ट की थी, कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं, तो तब मेरे पास iPhone 6 होता था, तो उसमें मैंने स्टार्ट की थी। मैंने बेसिकली आप लोगों को लिटरली बताऊँ, मैंने पबजी खेली थी iPhone 5 पे स्टार्ट की थी। अब मेरा व्लॉग देखेगा, जैन ने मेरे साथ iPhone 5 पे खेली हुई है, मेरा एक और दोस्त है अनस, उसने हमारे साथ खेली हुई है, जब तब के हम काफ़ी पुराने थे पबजी पे। तो फिर अंदर कोविड आ गया, कोविड में हमने पबजी खेलने शुरू किया बान के साथ, तब 6 था आ गया, थोड़ा और अच्छा हो गया। फिर कोविड में एक यहाँ पे भी रमज़ान भी अच्छा गुजरा खेला। हमारा, हाँ रमजान भी कोविड गुजरा। में भी हमारा एक रमज़ान शरीफ गुजरा। और उसके अंदर ये था यार उस रमज़ान में कि अब सारे कोई भी कज़न कॉलेज इसी कोड़े नहीं बाहर से जो है घर से। घर ही बनता था सारा कुछ ना, तो सारे कज़न इस रूम में इकट्ठे होना और पबजी चाह रहे, तब ना डेथ मैच हमने नया खेलना शुरू किया था। तो यार कोई बख्शिश नहीं हो रही, और हेट वाला सीन नहीं कहते, अब इंडिया के आते थे तो इंडिया पाकिस्तान एक क्रिकेट में बहुत बड़ी राइवलरी है, तो पबजी में आमने सामने होना, तो पबजी एक वैसी एडिक्टिव गेम है, जैसे आपको पता है थोड़ा सा गेम वो फायरिंग वाला है, गन्स वाला, तो उसको एक और मज़े से खेलना, सारे कज़न इकट्ठे हो जाना, तो वो एक सीन। ईद से फारग होते हैं तो दावत होती है। हाँ तो मानता है ना, पहले भी ईद के दोनों ईदों में हमारे दूसरे दिन हमारे यहाँ, ये मेरे नानों का घर है ना, तो यहाँ बेसिकली दावत होती थी हमारी ईद के दूसरे दिन इनके बाबानों के घर। अच्छा यार अब ये जो उनसे थे ना सीन, ये तो जिस तरह हमने अपना थोड़ा सा बचपन आपको बताया, अब हमारी एक और बचपन की बड़ी अच्छी है कि हम स्विमिंग पूल बड़ा जाते थे और अभी भी जाते हैं। ठीक है, तो संडे का दिन होना, मैंने सैटरडे नाइट को यहाँ स्टे करना है ना कि मैं सुबह पूल जाऊँगा, मैंने अपने एक रहा भाई कज़न है उनके साथ पढ़ा गया हूँ, फिर जब मैं बड़ा हो गया मैं बान के साथ पढ़ा गया हूँ, अपना अपने एक और कज़न के साथ गया हूँ, तो पूल का हमारा बड़ा। और मैं पूल में ना स्विमिंग मुझे आती है, तो मैंने सरीना से स्विमिंग सीखी हुई है, मैं काफ़ी डीप स्विमिंग कर लेता हूँ, तो ये लोग मुझसे बड़ा तंग आते हैं जब मैं पानी में इनकी तरफ आता हूँ ना, ये पानी से बाहर चल जाता है क्योंकि इनको मैं गोते देता हूँ। और बताओ लेकिन कोई अब तो हमें भी आ गई।
अब आ गई। और ये वो याद है तुझे एक चिप्स जिसे हम यहाँ ही खाते होते थे, वो एक अंकल चिप्स लगाते थे। मोटे से। हाँ हाँ उसकी भी बड़ी मजेदार चीज़ हमने थी। चिप्स बड़ी खाई है, इनको भी बड़ी चिप्स खाई है। और नाइट स्टे का ये होता था कि नाइट स्टे मैंने यहाँ पे बहुत कम किए हैं। अब तो चलो मैं इधर रहता हूँ ना, तो नाइट स्टे मैंने बहुत कम किए हैं। नाइट स्टे में ये था कि मैं आता नाइट स्टे की इरादे से था, फुल तैयार श्यार हो के चलो जी अब नाइट स्टे करने नानों के घर जा रहा हूँ, बहन के साथ जाके मस्ती करेंगे। तो जी जब शाम होनी ना, जब मगरिब हो जानी, मेरे पास होए नहीं, मैंने कहा नहीं अब मैंने अपने घर ही जाना। तब वो किसी ने मुझे अपने बाइक पे बिठा के मुझे वहाँ छोड़ के आना मेरे घर, रेस्टोरेंट बड़ा तंग किया। और तो इसको इसके पेरेंट्स से नहीं इजाज़त मिलती थी पहले, तो अभी भी नहीं, अब तो नहीं जाते खास, तो पहले इसको इजाज़त नहीं मिलती थी। तो फिर जी मैंने मामी से पहले इजाज़त इसकी लेनी, फिर इसको मैंने अपने घर ले गए हमको नेक्स्ट। और मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक आवर वीडियो और कमेंट्स में बताएंगे आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है या ब्लॉग।